वाराणसी मोदी सरकार की ओर से ओबीसी समुदाय के लिए किए गए कार्यों और राहुल गांधी के ओबीसी के विरोध में दिए गए बयानों को लेकर घर घर वो जाएंगे। आगामी 6 अप्रैल से कार्यकर्ताओं ओबीसी हित के कार्यों की सूची के साथ 10 लाख आपने सही सुना 10 लाख से ज्यादा घर जाने की लक्ष्य रखा है उन्होंने, जिसकी जानकारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने सहारा समय संवाददाता अभिषेक को दी है। क्या दी है आइए देखते हैं। राहुल गांधी की ओर से ओबीसी को लेकर विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी में उबाल है और बीजेपी इसको लेकर तमाम राज्यों की जो पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में एक अभियान भी शुरुआत करेगी। इसी अभियान को लेकर आज काशी क्षेत्र में बैठक रही और हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण जी हैं। सर, किस तरह का अभियान की चर्चा हुई और कैसे देखते हैं राहुल गांधी के बयान को, चूंकि बयान था, बयान पे जो कार्रवाई हुई वो संसदीय तरीके से हुई और न्यायिक प्रक्रिया तरीके से कार्रवाई हुई, फिर भी इसको लेकर विपक्षी पार्टियों में इतना उबाल क्यों? भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा मोदी जी 9 साल के अंदर ओबीसी समाज के लिए किस तरह उनका मान सम्मान गौरव बढ़ाया, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से लेकर 27% ठीक ढंग से केंद्रीय विद्या संस्था में ओबीसी बच्चों को आरक्षण देना, अच्छा शिक्षा प्राप्त करना, नीट के माध्यम से होने वाले परीक्षाओं में MBBS MD में भी उसको आरक्षण देना, 27 ओबीसी समाज के लोगों को मंत्रिमंडल में हिस्सा बनाना, इस तरह अन्य चीज़ जो है ये मोदी जी ने 9 साल के अंदर, और मोदी जी चाहते हैं कि हर नौजवान ओबीसी का सिर्फ नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला एक संस्था बनना चाहे, इसलिए मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर 20,000 करोड़ राशि से अलग बजट, प्रधानमंत्री वेंचर कैपिटल फंड अलग, और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा के नाम पर, विकास के नाम पर अलग अलग विश्वकर्मा जातियों के लिए, शिल्पकार हो, सुनार हो, उनके लिए भी अलग प्रावधान, अलग शिक्षा, अलग उनको राशि देना, ऐसे जो जितने उपलब्धियाँ हैं ये लोगों के बीच में जाने के लिए, पहुँचाने के लिए ओबीसी मोर्चा एक अभियान चालू कर रही है। 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस से लेकर 14 अप्रैल अंबेडकर जी जयंती तक हर घर, हर गांव जाएंगे, हर घर जाएंगे। इसमें 1 लाख गांव जाने का ओबीसी मोर्चा तय किया, देश भर में 1 करोड़ मकान जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, और किस तरह कांग्रेस शुरुआत से आज़ादी से ओबीसी समाज को धोखा दिया, ओबीसी समाज के आरक्षण को विरोध किया, ये भी मुद्दे लोगों के सामने रखेंगे। इस बीच में राहुल गांधी जी का बयान है ओबीसी समाज के जो खिलाफ, वो भी मुद्दा लोगों के बीच में ले जाएंगे, वो राहुल गांधी भी माफ़ी मांगना चाहिए ओबीसी समाज को, वरना ओबीसी समाज ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी नेहरू परिवार को माफ़ नहीं किएगा। इस तरह जन जागृति को लेते हुए हम अभियान चलाते हैं। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे सर उस अभियान में? अभी मैं बताया ना, 9 साल के अंदर ओबीसी समाज उत्थान के लिए जो मोदी जी ने निर्णय लिया, और 75 साल के अंदर लगभग 55-60 साल जो कांग्रेस हुकूमत में थी, किस तरह ओबीसी को धोखा दिया, ये मुद्दे लोगों को बताएंगे, लोगों के बीच में ले जाएंगे। एक सवाल और, ये जो पूरे की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, विपक्ष को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है, इस राहुल गांधी को जो सजा हुई, जो उनकी सदस्यता खत्म की गई, विपक्ष को एकजुट करता हुआ नजर आ रहा है? कितने भी विपक्ष एक हो, ये सब परिवादवाद भ्रष्टाचार पार्टियां हैं, पूरे जनता मोदी जी के साथ है, मगर जनता का जो पार्टी जो भी कितने भी एकजुट होने से हमको फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा 130 करोड़ आबादी मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ है, ये सब लोग जो भी है, ये लोग तिरस्कार किए हुए दल है, ये भ्रष्टाचार जो डूबे हुए दल है और परिवादवाद दल है, इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोदी जी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, ओबीसी के लिए तमाम काम किए गए, लेकिन ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं हो रही, तमाम विपक्षी पार्टी इसकी मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से? मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जब सरकार में थी ये क्यों नहीं किया गया? 1931 से लेकर जब लगभग तो 60 साल तो आप सत्ता में थे, आप क्यों नहीं किया? मगर हम सोच रहे इसके बाद इसके ऊपर पूरा अध्ययन करना पड़ता, क्योंकि ये विभिन्न जातियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर्जा दिया गया है, एक जाति पूरा देश में एक ओबीसी समाज का नहीं बन सकता, कई राज्यों में ब्राह्मण भी आज ओबीसी समाज में, इसके ऊपर पूरा अध्ययन करना पड़ता और इसके शास्त्रीय पद्धति करना पड़ता, हम इसके खिलाफ नहीं है मगर इसके ऊपर समय तो लगेगा। ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण जी, जिनका कहना है कि प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार 9 साल के दरमियान जो पिछड़े जो
काम किए गए हैं उन सभी कामों को लेकर 6 अप्रैल यानी कि पार्टी के स्थापना दिवस से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का काम करेंगे। फिलहाल सारा समय के लिए वाराणसी कैमरा पर्सन संजय गुप्ता के साथ अभिषेक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं खबरों के साथ, कहीं जाइएगा मत।